दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ मुंबई की जीत से अचानक से हुआ पॉइंट्स टेबल में चौंकाने वाला बदलाव और इस जीत के बाद मुंबई को हुआ पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा, जबकि आरसीबी, पंजाब और केकेआर की टीम को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों, क्या है आईपीएल 2023 में पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण और किस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए कितने मैच जीतने होंगे और कौन सी टीम बाहर हो गई है और कौन सी टीम चाहकर भी अब प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आईपीएल 2023 का 42वां मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच में खेला गया, जहां पर राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने काफी अच्छी शुरुआत की। राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में मुंबई इंडियंस को 213 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 124 रन बनाए। और वहीं दोस्तों, जब मुंबई की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन फिर सूर्या और टीम डेविड ने मिलकर इस मुकाबला को 6 विकेट से जितवा दिया। तो दोस्तों, मुंबई की जीत के बाद आइए नजर डालते हैं आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जिसने 8 मुकाबला में 6 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक हैं। और वहीं अब गुजरात को प्लेऑफ्स में जाने के लिए 6 में से 2 मुकाबला जीतने होंगे, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान की टीम है। राजस्थान ने 9 मुकाबला में 5 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक है, जबकि राजस्थान की टीम को प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए 6 में से 3 मुकाबला जीतने होंगे। और वहीं तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट है, जिसने अभी तक 8 मुकाबला में 5 मुकाबला जीते हैं और इनके 10 पॉइंट हैं। और लखनऊ सुपर जायंट को भी प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए 6 में से 3 मुकाबला जीतने होंगे। और वहीं चौथे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, चेन्नई ने 9 मुकाबला में 5 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक है, और चेन्नई को प्लेऑफ्स में जाने के लिए 5 में से 3 मुकाबला जीतने होंगे, जबकि पांचवें नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। दोस्तों, पंजाब ने अभी तक 9 मुकाबला में 5 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक है, जबकि पंजाब की टीम को भी 5 में से 3 मुकाबला जीतने होंगे। और वहीं छठवें नंबर पर आरसीबी की टीम है, आरसीबी की टीम ने 8 मुकाबला में 4 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 8 अंक है, और आरसीबी को प्लेऑफ्स में जाने के लिए 6 में से 4 मुकाबला जीतने होंगे, जबकि पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसने 8 मुकाबला में 4 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 8 अंक है। और वहीं मुंबई इंडियंस को भी प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए 6 में से 4 मुकाबला जीतने होंगे। और वहीं पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर केकेआर की टीम है, जिसने 9 मुकाबला में 3 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 6 अंक है, और केकेआर को अभी यहां से प्लेऑफ्स में जाने के लिए 5 में से 5 मुकाबला जीतने होंगे, जबकि 9वें नंबर पर एसआरएच की टीम है, जिसने आईपीएल 2023 में 8 मुकाबला खेले हैं और 3 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 6 अंक है, और एसआरएच की टीम को प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए 6 में से 5 मुकाबला जीतने होंगे, जबकि 10वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसने 8 मुकाबला में 2 मुकाबला जीते हैं और इनके पॉइंट्स टेबल पर 4 अंक है। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए 6 में से 6 मुकाबला जीतने होंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।